दोस्तों Realme 5 Pro के यूज सक्सेस के बाद Realme 6 Pro इंडिया में लॉन्च होने वाला है और दोस्तों उसी के साथ ही Realme X2 Pro भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जैसा कि दोस्तों इस फोन में आपको 64 मेगापिक्सल का रियल कैमरा मिल जाता है और दोस्तों 5000mAh की बैटरी और एमुलेट स्क्रीन और दोस्तों 710 का प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी फोन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों इसमें आपको रियल साइड में वही पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलने वाला है जो कि दोस्तों ग्लॉसी क्रेडियम फिनिशिंग के साथ आने वाला है और दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। और दोस्तों फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 6.3 इंच का एमुलेट पैनल मिलने वाला है जो कि दोस्तों वाटर डॉप नॉच और इन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आने वाला है। दोस्तों साथ में ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि दोस्तों एंड्रॉयड पाई और कलर ओएस 7 का सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों रैम वेरिएंट की बात करें दोस्तों इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, 4G+64GB एंड 6G+128GB। और दोस्तों साथ में ही कैमरे की बात करें दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है जो कि दोस्तों इसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होने वाला है और दोस्तों 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी मिलने वाला है। और दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें दोस्तों इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट रियर कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों बैटरी की बात करें दोस्तों इसमें को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि दोस्तों टाइप सी का सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और दोस्तों फाइनली प्राइस की बात करें दोस्तों ये अराउंड इंडिया में 10 से 15 हज़ार के बीच में इसकी प्राइस होने वाली है। और दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों ये 20 नवंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। दोस्तों आपका ये फ़ोन के बारे में क्या सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.